आज की टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी मार्च के महीना खत्म हो चुका है। फॉर्म 16 सारे फौजी भाइयों के जो भी सोल्जर्स के आने लगे, आप भी डिफेंस एस्पिरेंट है, आगे जाके फौजी बनेंगे, अग्नि भी हो चाहे कुछ भी हो, आपको भी फॉर्म यहां पर भरना पड़ेगा। फॉर्म 16 ITR आपको फाइल करना पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है सारे एक फौजी को, आर्मी ने भी, एयरफोर्स, चाहे वो SSC GD वगैरह से गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आप लोग फालतू का पैसा वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपकी कोई यूनिट में पंडित जी होता है या फिर आपकी कोई एजेंट होता है जो कि हर एक 10,000 में 1,000 रुपया लेता है, 20,000 में 2,000, अगर 1,00,000 आपका क्लेम करता है 5,000 10,000 आपको ले लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा कि 2 मिनट में आप कैसे अपनी फॉर्म 16 के माध्यम से वहाँ पर पहुँच सकते हो। सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको, सिर्फ टैक्स डिडक्शन ही की कॉलम का भरना है, जो कि मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरे वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, कि आपकी इनकम टैक्स डिफेंस पर्सनल को किस किस चीज़ में इनकम टैक्स नहीं देना होता है, जब आप ये वीडियो देखोगे आपकी आंखें खुल जाएगा, आपको लगेगा यार ये चीज़ें तो हमें पता नहीं था। आपको लगता है कि इतना मेरा पेमेंट है 11,00,000 है, मेरा 60,000 इनकम टैक्स कट गया साहब, मेरा थोड़ा वापस करवा दो, वो बोलेगा मैं 10,000 लूँगा, 1,00,000 के आसपास आपका कटा है, फिर आप बोलते हो नहीं 5,000 ले लो। देखिए 5,000 देना ही क्यों है, आप उस 5,000 को मत दीजिए, 5 मिनट लगाइए, आपने इस वीडियो को देखिए, सीखिए इसमें टैक्स डिडक्शन कैसे कैसे भरते हैं, या फिर यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, सीख लीजिए। सिर्फ टैक्स डिडक्शन आपको जाके भरना है, प्री फिल्ड डाटा आजकल आता है, सब कुछ भर के आता है, सिर्फ आपको टैक्स डिडक्शन का ही भरना है। जैसे मैं भरता हूँ अपना, सिर्फ टैक्स डिडक्शन भरता हूँ, अपनी पूरी रिफंड आ जाता है, वो भी 5 मिनट नहीं लगता, सिर्फ 3-4 मिनट का काम है। ठीक है, हम लोग नहीं करते इसलिए डरते हैं, पैसा दूसरों को देते हैं। अगर आपको 2,000, 5,000, 10,000 की वैल्यू नहीं आप देना चाहते अपने CA को या फिर एजेंट को या पंडित जी को, जिसको भी यू कैन गो देम, आप दे सकते हो, आपकी पैसा है। बट इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टैक्स डिडक्शन आपने भरना है, और अगले वीडियो में आप देख लेना किस किस चीज़ों में आपको देना है। जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो अगले वाला वीडियो आएगा उसमें देख के अपनी सैलरी से वो सारी चीज़ें हटा देना, जिन जिन पे मैंने बताया हुआ हूँ कि इस पे आपकी टैक्स लगता है, वो चीज़ें कैलकुलेट कर लेना। अगर 7,00,000 से आपका नीचे आ जाएगा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको मैं टैक्स लाभ थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूँगा बिल्कुल, ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर आपको मैं करके दिखाऊँगा कैसे आप टैक्स भर सकते हो सिर्फ 2 मिनट में। तो यहाँ पर समझ लीजिए इस बोर्ड को, अगर आपका 7,00,000 से ऊपर जा रहा है तब तो आप इसमें आते हो, आप 7,00,000 से नीचे ही रहोगे, ठीक है, जब सारी चीज़ आप समझ जाओगे बढ़िया से। तो अगर 7,00,000 के ऊपर आपका पेमेंट जाता है तो आपको 2,50,000 के ऊपर, 7,00,000 के बाद जो 2,50,000 है वहाँ पर 2,50,000 पे आपको कुछ नहीं देना। 7,00,000 के ऊपर अगर आपका पेमेंट जाता है तो 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक आपको 5% देना पड़ेगा, 5,00,000 से लेके 7,50,000 अगर आपकी पेमेंट है तो 10% देना पड़ेगा, 7,50,000 से लेके 10,00,000 तक आपको 15%, 10,00,000 से लेके 12,50,000 तक आपको 20%, 12,50,000 से लेके 15,00,000 तक आपको 25%, और 15,00,000 से अगर आपकी एबव सैलरी जाता है तब जाके आपको 30%। देखिए ये जो भी चीज़ें अप्लाई होता है ये ऑफिसर के ऊपर होता है, ORs और JCOs इनमें नहीं आते हैं। हाँ JCO कुछ कुछ आ जाते हैं, लेकिन जो अदर रैंक्स होते हैं हवलदार की 20-22 साल रैंक तक की, आपकी 7,00,000 से पेमेंट ऊपर नहीं जाता है। आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही है जो आपकी माइंड में चल रहा है कि सर मैं एक नायक हूँ या फिर सिपाही हूँ, मेरा पेमेंट 10,00,000 से ऊपर जाता है, 12,00,000 से ऊपर जाता है, मैं सियाचिन में पोस्टेड हूँ, मैं कश्मीर में पोस्टेड हो। देखिए अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं जिसमें टैक्स एग्जेम्प्टेड है, वो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता। दूसरा जो भी वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको लेके चलूंगा वहां पर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकम टैक्स लॉगिन पे चले जाना, ऐसे अगर सर्च करोगे जाके इनकम टैक्स फॉर आर्मी पर्सनल सर्च करने की जरूरत है, सिर्फ इनकम टैक्स सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ओपन हो जाएगा। आप इनकम टैक्स लॉगिन को जाके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपका आ गया यहाँ पर, देखिए इनकम टैक्स ई फिलिंग करके आ गया, पहले ही इसको क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी मांगेगा, ठीक है, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपको सिंपली आपके जो पैन कार्ड है उसको लॉगिन कर लीजिए और आईडी आपका डाल दीजिए। अगर आपकी लॉगिन आईडी आपको पता नहीं है कैसे बनाना है फौजी भाई है, तो आप नीचे कॉमेंट करिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप कैसे ईजिली उसको बना सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर हम आगे प्रोसेस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपका खुल जाता है, इनकम टैक्स खुल जाता है, तो यहाँ पर मेन्यू में जाइए, राइट साइड कॉर्नर पे जो 3 डॉट होता है उसको क्लिक करिए। क्लिक होने के बाद ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ खुल जाएगा, डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज पार्टनर, सर्विस, AIS, पेंडिंग एक्शन। ये पेंडिंग एक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ भाई, जो भी फौजी भाई इसमें आप कर रहे हो ना, यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में आपके कुछ अगर एक्शन आता है या फिर कुछ गलत आपने भरा है सही भरा है वहाँ पर आता रहता है, पेंडिंग एक्शन को चेक करते रहना। जैसे मेरा एक आया हुआ है,
तो ठीक है, तो आपका भी देख लेना। तो हम सिंपल ई फाइल में जाएंगे, ई फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पर से इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स, ई पे टैक्स और सबमिट टैक्स, ऐसा करके चार ऑप्शन खुलेगा। तो हमें इनकम टैक्स भरना है विद इन वन मिनट, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आया फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ई फाइलिंग रिटर्न व्यू फॉर्म 26S। देखिए यहाँ पर इसको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बनाया था 26AS के बारे में, बहुत फौजी भाई ये 16 जो फॉर्म 16 के ऊपर वेट करते हैं, लेकिन जो 26AS वो ना ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके अपने 26AS को देख सकते हैं। इसमें मेनली क्या चीज़ें होता है, इसमें मेनली होता है जो आपकी पे स्लिप में हर महीना आपकी पेमेंट कटा है ना, वो 26AS में भी कटा है। तो आप क्या टैली कर सकते हो, हाँ इतना कटा है कि नहीं। आपकी फॉर्म 16 गलत हो सकता है लेकिन 26S गलत नहीं हो सकता है। सिंपली किसी दिन और बात करेंगे इसके बारे में, अगर आपको जानना है कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करते हैं। करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया आपकी असेसमेंट ईयर, ठीक है। हमारे क्या करना है, असेसमेंट ईयर आप क्या 24-25 को डाल देंगे और यहाँ पर ऑनलाइन मोड सेट करके इसको नीचे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे करके ऐसे मजाक में भरा था, तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फिलिंग, क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ से न्यू फिलिंग करके दिखाता हूँ। तो स्टार्ट न्यू फिलिंग आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करिए। थोड़ी सी नेटवर्क स्लो है इसलिए, अभी देख लिया आ गया दूसरा आपका ऑप्शन खुल गया कि आप किसके लिए भर रहे हो। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू प्रोसीड फर्दर, किसके लिए भर रहे हो, इंडिविजुअल, मैं खुद के लिए भर रहा हूँ तो इंडिविजुअल करके इसको कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर आ गया जाएगा, आपको बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे, इसके बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। सिंपली हमें जाना है ITR 1 में, ठीक है, यहाँ पर ITR 1 करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको देखता हूँ, ITR 1 मतलब आपका जो इनकम है ना वो मिनिमम आपका मतलब मैक्सिमम 50 लाख होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न करके ITR 1 हो गया, लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद आपका यहाँ पर ऑलरेडी ये टिक होकर आ गया 139 सेक्शन 1 पे, तो यहाँ पर से हम कंटिन्यू कर देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा कंटिन्यू कर देंगे। ये प्री फील्ड होकर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर मैं मार कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फील्ड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्री फिलिंग और ई फिलिंग, देयर मे बी सिचुएशन वेयर सच इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी कंप्लीटेड, द फैसिलिटी प्री फिलिंग इज फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द टैक्स पेयर फॉर फिलिंग देयर ITRs। यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमने ऑलरेडी प्री फिलिंग आपका कर दिया गया, मतलब आपके ऑलरेडी भर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, चेक करना है और सबमिट करना है। जैसे यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि आपके क्या क्या चीज़ें, आपके पैन नंबर वगैरह है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा है, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 61,676 इस बंदे का कटा है, कितना, 61,000 रुपया। और यहाँ पर ये दे रहा है कि इंक्लूड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यू ओए टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन योर इनकम एंड डिडक्शन इज 38,913, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है कि 38,913 रुपीज़ का आपका टैक्स कटा है, लेकिन हमारा जितना सैलरी बनता है ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने क्या अलाउंसेस भी इसके अंदर जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा है। इस बंदे का कितना टैक्स बढ़ा है देखो, 10,48,000, मतलब कम से कम 10.5 लाख का है, लेकिन इसमें क्या है, सारे चीज़ इसने इंक्लूड करके रखा है, इसमें कुछ डिडक्शन नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ देखो टोटल डिडक्शन यहाँ पर 0 है क्योंकि इसने क्लेम किया ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था HRA क्लेम करना है, कौन कौन सी आपको चीज़ें नहीं लगा है, जैसे आपको पता है अलाउंसेस पे नहीं लगता है, जो डिटेल हम वीडियो बना रहे हैं आपको दे देंगे वहाँ पर जाकर। नेक्स्ट दिन आज अगर ये वीडियो देख रहे हो कल देख लेना, वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पर उसको यहाँ पर पहले आपका इन्फॉर्मेशन एक एक खोल के जाना पड़ेगा, पहले इसको खोलना, इसको ओके करना, फिर ग्रॉस टोटल इनकम चलो ये ठीक है करना, फिर टोटल डिडक्शन में जब जाओगे ना वहाँ पर से क्या करना, अपनी अपनी जो चीज़ें हैं, प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा आया था, सैलरी में इंक्लूड हुआ, HRA कितना लिया था, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी, आपने जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर डाल दो। डालने के बाद ऑटोमेटिक ये जब डिडक्ट हो जाएगा ना, आपकी इनकम ये कम हो जाएगा, 7 लाख से नीचे आ जाएगा, आपके टारगेट होना चाहिए इसको 7 लाख से कम कर दे। उसके बाद ये जो फुल रिफंड 38,000 का ना, ये फुल की फुल रिफंड आपको दे देगा 61,676। बस इतना चीज़ें करना है आपको, और कोई चीज़ें नहीं करना है, ये सारी चीज़ें करके आपको सबमिट कर देना है, OTP दे देना, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हो जाएगा।